मैं सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल 15 साल हुए मुझे अस्तित्व में आए हुए, और इन 15 सालों में बहुत कुछ देखा है मैंने। जिंदगी को मौत से लड़ते देखा है, उम्मीदों को जिंदगी की धड़कनों में बदलते देखा है, मुर्दा दिलों में जान फूंकते हुए डॉक्टर्स को देखा है मैंने। इसलिए यहां डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है और इस हॉस्पिटल को मंदिर, बल्कि डॉक्टर्स अपना भविष्य बनाने भी आते हैं। और हमारी ये कहानी कुछ ऐसे ही अनोखे किरदारों की है जिनका अतीत और भविष्य कहीं ना कहीं मुझसे, यानी सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। और आज मेरी 15वीं सालगिरह पर कुछ ऐसे किरदार मुझसे जुड़ने वाले हैं जिनकी कहानियों पर 15 साल पहले विराम लग गया था। आज उनकी और मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। वक्त बदल गया, ये हॉस्पिटल बदल गया, पर मेरी यादें अभी भी ताजा है। कुछ नहीं भूली हूं मैं। कहते हैं जब इंसान की हैसियत की परछाई उसकी काबिलियत से कहीं बड़ी होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसकी बुलंदियों का सूरज डूबने वाला है। डॉक्टर मल्होत्रा, तुमसे मिले हर दर्द का हिसाब रखा है मैंने, जिसका बदला लेने आ रही है मेरी बेटी, मेरी साची। शुरू तुम्हारी बर्बादियों का शुभारंभ। डॉक्टर मल्होत्रा, दुनिया के हर मर्ज का इलाज होगा तुम्हारे पास शायद, लेकिन अपनी इस तबाही का इलाज नहीं ढूंढ पाओगे तुम। फिर भी गुड लक डॉक्टर आनंद मल्होत्रा। तो आज सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने सक्सेसफुली 15 साल पूरे कर लिए हैं, और इन 15 सालों में हमारा ये हॉस्पिटल न सिर्फ इस शहर का बल्कि पूरे देश में नंबर 1 हॉस्पिटल बन चुका है। बट यकीन मानिए, इसे इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है। अच्छा लगता है अपने बच्चे को इस तरह बुलंदियों को छूते देख, बहुत अच्छा लगता है। Am I right? सर, आप अपने इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सभी को, मेरी पूरी फैमिली, मेरा स्टाफ, मेरे डॉक्टर्स
इनमें से हर कोई इस सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर इन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। सर, सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंडिया का पहला हॉस्पिटल था जिसने सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। अब इसके बाद कौन सा नया माइलस्टोन बनाएंगे आप? वूम, यानी एक माँ की कोख। हमारे डॉक्टर्स की एक टीम वूम ट्रांसप्लांट पर रिसर्च कर रही है ताकि हर वो औरत जो माँ नहीं बन सकती वो भी ममता और खुशी के इस इमोशन को महसूस कर सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वॉन्ट टू बी एशियाज वेरी फर्स्ट हॉस्पिटल that successfully carries out a womb transplant. और मैं वादा करता हूं मैं इस ट्रांसप्लांट को इतना सक्सेसफुल बनाऊंगा कि मेरे हॉस्पिटल में कभी भी कोई मां निराश नहीं लौटेगी। डॉक्टर साहब, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रैप अप कर दीजिए, आपकी दूसरी मीटिंग का वक्त हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए बस सिर्फ इतना, माफी चाहता हूं, अब मुझे जाना पड़ेगा। Thank you so much for coming once again. Phir milenge. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. कमाल है, इतनी सुबह इतने सारे जर्नलिस्ट। मगर गौर फरमाने वाली बात यह है कि आज हमारी मिसेस मल्होत्रा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही। अब ये इस नई हेयर स्टाइल का कमाल है या बात कुछ और है? ऐसी कोई भी बात नहीं है जनाब। और अगर आपको ये लग रहा है ना डॉक्टर साहब कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातें आपको दवाइयों से बचा लेंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके ओके, एक बात तो पक्की है, आप पत्नी कम और इंडियाज़ बेस्ट डॉक्टर की डॉक्टर ज्यादा है। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल एक डॉक्टर को भी तो डॉक्टर की जरूरत होती है, वरना उनकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर, लेकिन आप सेहत के साथ साथ हमारे दिल की डॉक्टर है। आपकी दवाई लीजिए, जब तक मैं सावित्री दीदी की फोटो पर अगरबत्ती लगा कर आती हूँ। ओके। नाश्ता साथ में करेंगे। जरूर। And no cheating, huh? No cheating. I trust you. Promise. Okay. चल। लेकिन बदले में मैंने तेरी पूरी जिंदगी को अपनी सिद्ध बना डाला। अपना सपना पूरा करते करते मैंने कभी तुझे सपना देखने का हक ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। गुड मॉर्निंग साची, उठ जा बेटा। माँ, थोड़ी देर और प्लीज। कोई थोड़ी देर और नहीं, कहा ना जल्दी से उठ जा, पर आंखें मत खोलना। ओहो माँ, आज ही नया टास्क क्या है? चुपचाप आंखों पे हाथ रख कर उठ जा साची। और वैसे भी
आज ये आखिरी बार है जो मैं तुझे उठा रही हूँ बेटा, क्योंकि कल से तेरा सवेरा सावित्री देवी कॉलेज और हॉस्पिटल के हॉस्टल में ही होगा। पर फिर भी आज ये क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसीलिए। ओके ठीक है खड़ूस माँ। आज इसी खड़ूस माँ की वजह से तू डॉक्टर बनने जा रही है। ओके फाइन माँ, आप सबसे ग्रेट हो। अच्छा जल्दी करो जो करना है वरना मैं आंखें खोल रही हूँ। नहीं नहीं आंखें मत खोलना, और अब मैं जो जो कहूंगी वो तू दोहराएगी, समझी? ओके आप बोलो। करागरे वसते लक्ष्मी, करागरे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदा, करमूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, प्रभाते कर दर्शन। चल अब आंखें खोल दे। अच्छा माँ, आज सुबह सुबह आंखें बंद करके मेरे हाथों की पूजा आरती क्यों? क्योंकि आज के बाद इन हाथों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां सुधरेंगी, जाने बचेंगी। पॉइंट है। आज के बाद ये हाथ मेरी पहचान बनेंगे माँ। माँ जल्दी है जल्दी। क्या जल्दी माँ, इतनी अच्छी एक्टिंग तो की मैंने। अब बोलू तो बॉलीवुड में ट्राई कर लू क्या? चुप कर, तू डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुई है साची, और वही बनेगी, समझी? ओके ठीक है। वैसे माँ आपने अभी जो मुझसे मंत्र बुलवाए उसमें सिर्फ सरस्वती और लक्ष्मी मेरे समझ में आए, बाकी सब मेरे सर से ऊपर बाउंसर गया। बेटा वैसे तो मंत्र का मतलब ये है कि दरिद्रता और अज्ञानता को दूर करना अपने हाथों में है, और हम उसे दूर करके हम अपना और जगत का कल्याण करेंगे। पर तेरे लिए इस मंत्र का मतलब ये है कि हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं इन हाथों से लाखों लोगों की जान बचा सकूं, बीमारों को ठीक कर सकूं और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। ओके बॉस, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी मैं वही करती हूँ जो आप कहती हो, और ये बात पूरी दिल्ली को पता है, और ये भी पता है कि साची मिश्र एक बार भगवान की बात टाल दे पर अपनी माँ की बात हरगिज नहीं। कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों आई हो यहाँ? मुझे समझ में नहीं आता ये सब करके इंप्रेस किसे करना है। तुम्हें जिससे इंप्रेस करना था वो तो इंप्रेस हो गए है ना, तो फिर और किसे इंप्रेस करना चाहती हो? अभी तक अभी मेरी माँ की फोटो को हाथ भी लगाया ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ सावित्री दीदी की फोटो पर हार चढ़ा रही थी, पूजा कर रही थी। ये भी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है ना, इतना हक तो है ही ना मेरा बेटा इन पर। मेरी माँ के पास आने का या मुझे बेटा कहने का कोई हक नहीं बनता तुम्हें। तुम मिस्टर मल्होत्रा की पत्नी हो, मेरी माँ नहीं, और मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करना, समझी? प्रिया, that's enough. ये क्या तरीका हुआ बात करने का? What's wrong with you? Look, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, मगर ये मत भूलो कि गायत्री ने इस घर को 14 साल दिए हैं।
और पहले दिन से लेकर आज तक ये तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है, पर तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता था कि वक्त के साथ साथ तुम मान जाओगी, पर अगर आज भी तुम्हें गायत्री को अपनी मां नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन उम्र में ये तुमसे बड़ी है और इस चीज का लिहाज तुम्हें रखना होगा। You will give her due respect. Is that understood? बस, प्रिया बच्ची है, इसने अपनी माँ को खोया, अब एकदम से किसी दूसरी औरत को अपनी माँ मानना इतना आसान तो नहीं होता है। देखो देखो इन्हें प्रिया, इतनी इंसल्ट की तुमने, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया, लेकिन ये अब भी तुम्हारी साइड ले रही है। प्रिया चलिए यहां से। आज इन आंखों में आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि आज मेरा सबसे बड़ा दिन है। इस बड़े दिन पर मुझे मेरी मुस्कुराती हुई बीवी चाहिए मेरे साथ। ये गुमसुम उदास मुरझाई हुई चकलमी, प्लीज अब एक बार मेरे लिए अपनी वो फैंटास्टिक स्माइल दिखा दो। That's it, that's it. Come on. That's it. You can do better. Ye hui na baat. Sorry about that. Good. Very good. ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मेरी सिखाई हुई सारी एक्टिंग का तुम अच्छे से इस्तेमाल कर रही हो। I love you, mommy. Well, आपकी सिखाई हुई एक्टिंग की वजह से ही तो मैंने इस पूरे घर को अपने बस में करके रखा हुआ है। बस एक ही प्रिया और वीर ही हैं, जिन पर मेरी एक्टिंग का बिल्कुल असर नहीं होता। Don't you worry. वैसे भी प्रिया एक लड़की है, तो उसका यहाँ से जाना तय है। तू उसकी विदाई की तैयारी शुरू कर। एक बार वो इस घर से चली गई, फिर तेरी सारी टेंशन खत्म। और वीर, उसके बारे में तो तू चिंता ही करना छोड़ दे। वैसे भी वो तेरा सारा काम खुद ही आसान कर देता है, उसके बारे में चिंता मत कर। वाओ दी, ये देख, तुम्हारा हॉस्पिटल ना कोई हॉस्पिटल नहीं, 5-star होटल है। इनफैक्ट ये तो एक मॉल है, वरना कौन से हॉस्पिटल में देखो कॉफी शॉप सैलून ये सब होता है, कहाँ होता है? सनी, ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, सावित्री देवी हॉस्पिटल है, इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल, और इन्हीं सब फैसिलिटीज की वजह से आज वो नंबर वन है, समझे? ओए, यहाँ पे मत मारो, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। What? क्या मैंने फिल्मों में देखा था तो बोल दिया। सनी साची आजा बेटा। आई माँ। चल देख रहे जी, आज हमारी बेटी हमारा सपना पूरा करने जा रही है। हमारी छोटी सी साची आज डॉक्टर साची मिश्रा बनने जा रही है। ये भी अपने पापा की तरह एक कामयाब डॉक्टर बनेगी,
और हमारा नाम खूब रोशन करेगी। है ना साची? हाँ माँ। देख बेटा, तू एक डॉक्टर की बेटी है और आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो तुझे 2 मिनट का लेक्चर जरूर देते जिसमें ढेर सारी ज्ञान की बातें होती, पर अब वो इस दुनिया में है नहीं, इसीलिए मैं ही उनकी इच्छा पूरी कर देती। साची बेटा, MBBS करना बहुत आसान है लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल। डॉक्टर का मतलब होता है लोगों की जिंदगियों की बागडोर अपने हाथों में लेना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटा, तुम्हारी जरा सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है, इसीलिए मैं चाहता कि ये जिम्मेदारी तुम पूरी शिद्दत से निभाओ। कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना। बेटा, इस रास्ते में कई बार ऐसा होगा कि हालात तुम्हारे काबू में नहीं होंगे, पर डरना मत बेटा, अपने ऊपर यकीन रखना, जीत की हर मुमकिन कोशिश कर, और अगर तुम्हारा इरादा सच्चा होगा तो जीत सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। बस बस, अब और नहीं हो पाएगी तुम्हारी पापा की एक्टिंग। आप भी ना कितना लेक्चर देते हो। अरे बस करो तुम सब, बहुत हो गया रोना धोना और भाषणबाजी। सच्ची, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, अगर जरा सी भी देर हो गई ना तुम्हारी दोनों तितलियां शोर मचाकर नाक में दम कर देंगी। दादी वैसे आज एक ही तितली परेशान करेगी क्योंकि प्रज्ञा सुबह सुबह अपने पापा के साथ किसी पोलियो शिविर में गई। MP प्रताप यादव की बेटी इंडिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल से इंटर्नशिप। प्रज्ञा बेटिया, तने की दर्द तो आना। पापा, आप हमको यहां पर पोलियो कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाए थे ना, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर भी आपकी राजनीति शुरू हो गई। अब आप चाहते कहाँ हैं? जबरन हमको हीरोइन बनाने पे तुले हैं? गजब है आप भी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारी पढ़ाई का फायदा उठाना भी आपको खूब अच्छे से आता है। तुम धीरे बोलो, सारा मीडिया यहाँ है, अगर किसी ने हमारी बात सुन ली तो बवाल हो जाए। तो हो जाने दो ना बवाल। आपके राजनीति फायदे के लिए 4 साल MBBS में हम नहीं घिसाए हैं, समझ रहे हैं आप? अरे बच्चे ध्यान से। क्यों रो रहे हैं? बिस्किट खाओगे? ये वेरी गुड, लो बैठो। अब थोड़ी सी दवाई लगा दी, कहाँ लगी है चोट दिखाओ। यहाँ पे लगी है। ओ, अभी लगा देते।
जान, आज के जमाने की मदर टेरेसा है प्रज्ञा यादव। हेलो मदर टेरेसा, लोगों की मदद कर करके थक गई? अबे सांची, अब तुम बकवास करना बंद करो वरना कसम से कह रहे सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। अच्छा बाबा सॉरी, रिलैक्स, नहीं कहूंगी कुछ। लेकिन क्या है, तू तो दया की देवी है, बोलो कैंप ऑर्गेनाइज करिए तो। अब तुम चुप करोगी या देख कंटाप के नीचे? सॉरी दिल। अच्छा चलो हम भी सॉरी। अब यार तुम तो जानती हो ना हमारे बाप को, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखे है, राजनीति। पोलियो शिविर में भी मीडिया बुला रखी है, हद है इनकी, कसम से परेशान हो गए हैं। आई नो, चल वो सब छोड़ और मुझे बता तेरी ईशा से बात हुई? वो पहुंच जाएगी ना कॉलेज टाइम पे? हाँ हुई थी। वैसे वो है कहाँ? वही जहाँ उस महारानी की जान बसती है। कांग्रेस डॉक्टर, आज आपकी सूझबूझ और अलर्टनेस ने एक पेशेंट की जान बचा दी, आपकी दाद देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जेटिक डॉक्टर तो मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक यू। ये है मेरी एनर्जी एंड अलर्टनेस का राज, एनर्जी वीटा कैप्सूल। कट इट। ग्रेट शॉट इशा। थैंक यू सर। यू आर अ बॉर्न एक्टर एंड सो नेचुरल। थैंक यू सर, बट मेक श्योर कि ये एज इंटरनेशनली रिलीज होनी चाहिए। अगर इसे मेरे डैड ने देख लिया तो तो क्या? मेरे डैड को मेरी मेडिकल डिग्री के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता, बट इट्स ओके। एक बार मेरी सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंटर्नशिप खत्म हो जाए उसके बाद मैं अपना करियर मॉडलिंग में जरूर बनाऊंगी। बट अभी मुझे डैड को लेने एयरपोर्ट जाना है, अगर वो यहाँ आ गए तो। थैंक यू सर। डैड आप यहाँ? ड्राइवर को ड्रॉप लोकेशन तुमने यहाँ का दिया है, सोचा मैं भी तो जरा देख लूं ए स्टूडियो से कौन से सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं तुमने। एनीवे इट्स गुड कि अपनी नई लाइफ शुरू करने से पहले तुमने अपनी पिछली जिंदगी अच्छे से जी ली, क्योंकि आज सावित्री देवी हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद ना तो तुम्हारा इन सबसे कोई कनेक्शन रहेगा और ना ही ये सब करने का तुम्हें टाइम मिलेगा। चलो प्रिया बेटे, वो पराठे देना और बटर दे देना। हाँ डोंट प्रिया, माँ को बटर मत देना। क्यों? क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सो नो बटर। ओके माँ, कुछ दिन परहेज कर लीजिए, कुछ दिनों बाद खा लेना, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। Good morning. Good morning, Dad. Good morning, beta. Hi, Chachu. Chachi. Hi, Nani. Hi, Dadi. Priya. So, Riya, तुम तैयार हो अपने इंटर्नशिप के फर्स्ट डे के लिए? Of course. Good. मुझे यकीन है कि अपने डैड के अंडर तुम एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। Yes. आज भी नहीं आए? नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि पूरी फैमिली के साथ बैठकर लास्ट उसने नाश्ता कब किया था।
आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। अरे आप जूस तो पीते जाइए। अगर भूख लगी तो हॉस्पिटल में कुछ खा लूंगा। आदर्श जी भैया, तुम भी 15 मिनट में हॉस्पिटल के लिए निकलो। वहां पहुंचकर मिसेस डिसूजा से कहकर इस साल की इंटर्न्स की लिस्ट मुझे भिजवा देना, मुझे देखनी है। डैड मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ तुम्हारा आज पहला दिन है, गो विद हिम। मुझे लगता है कि मुझे भी चलना चाहिए, तो मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे लेकिन ब्रेकफास्ट हॉस्पिटल में मंगा लूंगा कुछ। ठीक है। Okay. All the best, Rhea. Thanks, Dad. I'll see you later. अगर मिरर में ऐसे ही देखती रही ना तो मैं हॉस्पिटल डॉक्टर बनने नहीं, डॉक्टर से इलाज करवाने जाऊंगी। सो प्लीज रोड पर ध्यान दो। हाँ हाँ मेरा ध्यान रोड पर ही है बेटा, वो तू मेरा सालों का सपना पूरा करने जा रही है ना, तो बस। माँ रुको रुको रुको। क्या हुआ बेटा? मैं अभी आई। भैया जल्दी से मेरा स्पेशल वाला गोलगप्पा देना। ये लो दीदी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हद हो गई साची, तेरी ये आदत मुझे कुछ समझ में नहीं आती। खुशी हो तो गोलगप्पे, दुखी हो तो गोलगप्पे, टेंशन हो तो गोलगप्पे। अरे ऐसा क्या रखा है इन गोलगप्पों में बेटा? माँ ये सिर्फ गोलगप्पे नहीं है, मेरे जीने की वजह है। वजह मतलब मेरा मूड ठीक करने की दवाई है ये दवाई। हाँ हाँ ठीक है, चले अब। हाँ कम इन सर। कम इन। ये हॉस्टल एलोकेशन की फाइनल लिस्ट है और सारे कैंडिडेट्स का एडमिशन लेटर जा चुका है। परछाई मेरे आज को बर्बाद नहीं कर सकती।
तुझे कितनी टेंशन हो रही थी? मेरा तो ऑलरेडी मूड ऑफ है। आज मेरा फाइनल शूट था और आज के बाद डैड ने मुझे कोई भी शूटिंग असाइनमेंट लेने से मना कर दिया है। लगी बौखलाने तुम दोनों। बट दिस इज नॉट फेयर। किसी ने मेरी ड्रेस देख के मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। अबे ओ, अब बंदरिया को ड्रेस पहनाएंगे तो वो दीपिका पादुकोण थोड़े ना बन जाएगी। तुम तीनों डॉक्टर बनने जा रही हो लेकिन आज भी तुम तीनों की हरकतें एकदम केजी के बच्चों जैसी हैं। आंटी बड़े होके भी क्या करेंगे, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। वैसे कसम भगवान की आंटी जी, असली मजा तो बचपने में ही है। वो किसी महान पुरुष ने कहा है ना, इफ अ चाइल्ड देन यू डाई यू डाई। बचपन चला जाए पर बचपना ना जाए। बस 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 प्रज्ञा देवी बस, 4.5 साल हमने आपका प्रवचन सुना है, अब हमें बख्श दो। हाँ चलो ठीक है, बख्श दिया तुमको, पर आंटी जी आप भी तो अपना आशीर्वाद दो ना हमको। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे कस्टमर्स के लिए है। तो हमारी गुड लक वाली चकली और मटरी कहाँ पे है? ये लो तुम्हारे लिए। आज तुम तीनों का खास दिन है ना, इसीलिए खास चकली बनाई है मैंने तुम तीनों के लिए। स्टेथोस्कोप वाली चकली, चकली। वाव, सो कूल। और ये सारी हम खाएंगे, तुम दोनों सोचना भी मत, फिर कभी खा लेना, ठीक है? ये हम दोनों के लिए लेकर आए आंटी, इसलिए मैं भी खाऊंगी। अबे ओ, मिस इंडिया, तुम ना अपनी फिगर पे ध्यान दो। और वैसे भी आज तक कॉलेज में तुमको चकली को हाथ नहीं लगाने दिए, तो आज का धूम केतु गिरा है तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। आंटी देखो ना। बस ईशा, मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ बेटा। हाँ, चल, चल। I swear, साची, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें आंटी जैसी मॉम मिली। मेरी मॉम तो बहुत डमी है। नहीं ईशा, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ जो भी करती है तुम्हारे भलाई के लिए ही करती है, समझी? अच्छा सुनो, आज तुम तीनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए मन लगाकर काम करना और खूब तरक्की करना। यो मामा। साची, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना, ज्यादा पंचायत लड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर रखना। और हाँ साची, हॉस्पिटल में घुसने से पहले मैंने जो कहा है भूलना मत। हाँ माँ। कही हर बात माना करो वरना जान मार लेंगे तुम्हारी हम। हाँ हाँ, जैसे तू बड़ा अपने मम्मी पापा की बातें मानती। हाँ तो भैया, हम तो बकलोल हैं, अब तुम भी हमारी तरह बनोगी का? एग्जैक्टली, इसलिए हर बात आंटी की माना करो। अब चले जल्दी से। डॉक्टर मल्होत्रा, साची मिश्रा इस बैच की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है। इनफैक्ट बहुत साल बाद इस अस्पताल में इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई है, आपने उसका ही नाम काट डाला। मिसेस डिसूजा, ये अस्पताल मेरा है और मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ एडमिशन किसे देना है और किसे नहीं। That'll be all. Thank you very much. आप जा सकते हैं। जी सर।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.